जीके कैप्सूल में आज हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख कलाएं। कावड़, कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। ये क्या होता है? लकड़ी से मंदिर नुमा एक आकृति बनाई जाती है, उसे कावड़ कहा जाता है। मीनाकारी, मीनाकारी की कला जयपुर में की जाती है। किसी धातु पर अर्धमूल्यवान नगीनों का कार्य किया जाता है, उसे मीनाकारी कहते हैं, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कुंदनकारी, कुंदन का कार्य होता है जयपुर में। सोने पर रत्नों से सजावटी कला की जाती है। ब्लू पॉटरी, ये है जयपुर की। पीली मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी की जाती है, ब्लू पॉटरी। और ब्लैक पॉटरी है कोटा की। अजरक कला, अजरक कला है बाड़मेर की। अजरक कला में क्या होता है? कपड़े पर छपाई का कार्य किया जाता है। मथेरन कला, मथेरन कला है बीकानेर की। इसमें भित्ति चित्र की शैलियाँ बनाई जाती है। काष्ठ कला की जाती है चित्तौड़ के बस्सी में। लकड़ी से खिलौनों का निर्माण किया जाता है। तारकशी फेमस है नाथद्वारा की। इसमें चांदी के तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। अब हम दोबारा रिपीट करते हैं, देखिए। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। कावड़ क्या होता है? लकड़ी से मंदिर नुमा आकृति बनाई जाती है। मीनाकारी और कुंदनकारी दोनों ही जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी में होता है धातु पर अर्धमूल्यवान नगीनों का कार्य किया जाता है, और कुंदनकारी में सोने पर रत्नों से सजावटी कला की जाती है। ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। पीली मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी की जाती है इसमें। अजरक कला बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर छपाई का कार्य किया जाता है अजरक कला में। मथेरन कला बीकानेर की। इसमें भित्ति चित्रों की शैली बनाई जाती है। काष्ठ कला है चित्तौड़ के बस्सी में। काष्ठ कला की जाती है, मतलब लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं। काष्ठ मीन्स लकड़ी। तारकशी में तारों को कस के चांदी के तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। तारकशी में नाथद्वारा की प्रसिद्ध है ये। थैंक यू।